तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं वो 12 उपाय जब आप जैसा चाहें हासिल कर सकते हैं जीवन, और चंद्रमा से संबंधित 12 उपाय स्पेशल दिन नक्षत्र सोमवार का दिन श्री कृष्ण चंद्र के निमित्त। मनोविकार से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, साइकोलॉजी डिसऑर्डर से, तो आपको क्या करना है, अपनी शक्ल आपको दूध में देखनी है, किसी भी दूध के पात्र में अपनी पूरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उसमें कह देनी है और उससे भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक कर देना है। अगर आप अपने जीवन में सुख संपत्ति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक चांदी का सिक्का लेना है, सिंपल। उस चांदी के सिक्के पर थोड़ा सा आप खुशबू लगा लीजिए, इत्र लगा लीजिए कोई भी, या उसको दूध से धो लीजिए, क्लीन हो जाए। उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके उसको अपनी तिजोरी में प्लेस कर दीजिए। जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा शुद्ध चांदी का कंटेंट हो। अगर सिक्का नहीं भी हो तो कोई भी चौकोर टुकड़ा चांदी का वो ले सकते हैं। अगर आप अपने पराक्रम में वृद्धि चाहते हैं, अगर आप फेम चाहते हैं, क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपको भगवान श्री कृष्ण पे एक औषधि आती है जिसे हम कहते हैं शतावरी, सर्वौषधि भी कहते हैं उसको, वो भगवान श्री कृष्ण पे चढ़ाइए। उसके पश्चात में रोज़ उसको पानी में डुबा करके उससे स्नान कीजिए और साथ बसाथ में एक मंत्र भी बोल लीजिए, श्री कृष्ण शरणम मम, यानी कि मैं श्री कृष्ण की शरण। आप देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में फेम आता है। अगर आप प्रॉपर्टी में अपनी माता से संबंध अच्छा रखना चाहते हैं, अपने जीवन में पारिवारिक सुख को बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना है आपको, भगवान श्री कृष्ण में सिर्फ गिनती के 4 चावल के दाने चढ़ाइए, 4, और चढ़ाने के बाद उसे उठा लीजिए, उसको किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में छुपा कर रख दीजिए। आप देखेंगे जिस भी प्रॉपर्टी की आप तमन्ना रखते हैं लेने के लिए आपके सामर्थ्य अनुसार, वो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। 5वां उपाय, महा उपाय, अगर आप लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अगर आप प्रेम में सक्सेस चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम करिए, बहुत सीधा बहुत सिंपल, एक सफ़ेद फूल लीजिए। कोशिश ये करिएगा कि कनेर का ना हो, कोई भी और सफ़ेद फूल ले लीजिए। अगर हो सके तो आप चमेली का ले सकते हैं, आप वाइट बेला ले सकते हैं जिसे हम एलिफेंट जस्माइन कहते हैं, वो आप ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण पे चढ़ाइए और सोचते रहिए उस समय कि आपके जीवन में जो आपका प्रेम है वो आपको मिल जाए, सच्चा प्रेम। उस फूल को लेकर चढ़ाने के बाद में आप किसी बहते जल स्त्रोत्र में उसे फेंक दीजिएगा। बात करते हैं अब शत्रुओं की। अगर आपके जीवन में शत्रुओं से प्रॉब्लम है, अगर आपको रोग बहुत सताते हैं, शत्रु और रोग के नाश के लिए आपको क्या करना है सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण पर एक चीज़ चढ़ानी है आपको और उसको जला देना है। भोजपत्र लीजिए, सफ़ेद चंदन से अपने शत्रु का नाम उस पर लिखिए, कुछ भी नाम हो सकता है, यानी एक्स वाई ज़ेड, और उसको देखते हुए जब तक वो सूख ना जाए तब तक उसको देखते रहिए और पूरी अपनी घृणा, पूरी अपनी परेशानी उस शत्रु के नाम पर डाल दीजिए और उसके बाद में उसको कफूर से जला दीजिएगा। कल के दिन, सोमवार के, मतलब सोमवार के दिन, जन्माष्टमी के दिन। अगर आपकी मैरिड में कोई प्रॉब्लम है, डाइवोर्स जैसी सिचुएशन हो रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसको आप समाकरण नहीं कर पा रहे हैं, उसका आप सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, 2 फल लीजिए, कोई भी 2 केले ले लीजिए और राधा कृष्ण के मंदिर पे जाके चढ़ाइए उसे, दोनों वापस लेना है आपको। चढ़ाने के बाद में एक छोटा बच्चा जो 9 साल से छोटा हो और एक छोटी बिटिया बच्चे जो 9 साल से कम की हो, एक एक केला, दोनों को एक केला नहीं देना, एक एक केला दोनों को दे दीजिए, आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बात करते हैं अगर आप एक्सीडेंट से पीड़ित हैं, अगर आपको फिजिकल प्लेजर नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी एक प्लेन टुकड़ा होता है, उस पर आपको एक बीज लिखना है, वो बीज लिखना है, किसी से भी लिख सकते हैं, सफ़ेद चंदन से लिख लीजिए चाहे किसी भी इंक से लिख लीजिए, उस पर लिखना है आपको क्लीम, ये कृष्ण बीज है क्लीम, और उसको आपको बहते पानी में फेंक देना है, सिर्फ इतना। अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य चाहते हैं, भाग्य चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में लक चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत सीधा सिंपल उपाय है और अच्छा उपाय है।
एक जेमस्टोन आता है जिसे हम कहते हैं चंद्रकांता, और आम भाषा में उसे चंद्रमणि कह सकते हैं, मूनस्टोन कह सकते हैं। वो मूनस्टोन कल सोमवार के दिन आपको श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाना है और उसे वापस लेके आना है, और अपने घर का जो पूजा स्थल है जिसे आप पूजा घर कहते हैं उसमें आपको उसको प्लेस कर देना। और भूल जाइएगा ज़िंदगी के अंदर बैड लक आपके पास फटकेगी भी। अगर आप अपने प्रोफेशन में सफलता लेना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि जीवन में मुझे प्रगति करनी है, तो कल क्या करना है आपको समझ लीजिए। एक छोटा सा चांदी का ब्रेसलेट लीजिए, ये सारे उपाय चंद्रमा से संबंधित हैं और मैं इसी वजह से बता रहा हूँ। यहाँ एक चांदी का कड़ा ले लीजिए, आप उसको दूध से धो करके उसके ऊपर चंदन लगाइए, श्री कृष्ण को अर्पित कीजिए, और अपने राइट हैंड के रिस्ट में पहनिए उसको। यहाँ विश्वास कीजिएगा करियर में वो उछाल आएगा जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। स्पेशली जन्माष्टमी का दिन, जयंती है इस बार, तो नक्षत्र भी रोहिणी है, अष्टमी भी है, सुपरलेटिव मुहूर्त है, उससे बड़ा कोई मुहूर्त ही नहीं है साहब। बात करते हैं अगर आप लाइफ में इनकमिंग अच्छी चाहते हैं, बहुत बढ़िया चाहते हैं, फिर से एक बहुत अच्छा उपाय, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लीजिए, श्री कृष्ण पर चढ़ाइए और उसको अपनी वॉलेट में, अपने पर्स में रख लीजिए, और फिर देखिए आप कितना आनंद आपके जीवन में आता है कमाई के माध्यम से। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, एक्सपेंडिचर्स बहुत हो रहे हैं, ये आखिरी उपाय आपके लिए, बारहवां महा उपाय, तो आपको क्या करना है, बहुत सीधा और सिंपल, आपको 12 साबूदाने, जैसे हम साबूदाना कहते हैं, 12 साबूदाने लेने, भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित कीजिए और उसको पक्षियों को खिला दीजिए। बाकी आप कुछ और डालना चाहते हैं वो डालिए, लेकिन जो सागू होते हैं, साबूदाना है, वो पक्षियों को ज़रूर डालिएगा। ये 12 उपाय जीवन की 12 समस्याओं से रिलेटेड हैं, आप इसे कीजिए और इस जन्माष्टमी महोत्सव पर जो जयंती योग बन रहा है उसका पूरा लाभ उठाइए। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, कल आपसे फिर एक नए विषय को लेकर मुलाकात होगी। आप सभी मित्रों को, सभी हमारे चाहने वालों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सुख लेकर आए। अपने मित्र को इजाज़त दीजिए, एस्ट्रो तक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और अपने मित्र कमल नंदलाल को, इस नंदलाल को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।